मेरे बहुत ही प्रिय साथियों, बहुत बहुत अभिनंदन और हृदय से स्वागत। साथियों, एक लंबे समय से मेरे पास में इष्ट देव को लेकर के एक विशेष क्वेरी आ रही थी। पहले भी हमने विशिष्ट देवताओं के ऊपर एपिसोड बनाए हैं। आज हम बात करेंगे महावीर बजरंग बली के बारे में। और मैं अगर ये बात कहूँ कि भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा चहेते देव पुरुषों के और स्त्रियों के भी यदि कोई हैं तो वो हैं महावीर हनुमान। यदि आपके भी वो इष्ट देव हैं और आप तन मन धन से उनसे जुड़े हुए हैं, तो जो मैं आज 10 बातें एक एक करके क्रम से आपको बतलाने जा रहा हूँ, वो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। भारतवर्ष में घर घर में हनुमान आराधना की जाती है। सुबह से ही, चाहे वो हनुमान चालीसा हो, बजरंग बाण हो या दूसरा कोई स्त्रोत्र हो, वो हमें पाठ सहज ही सुनाई देते हैं। हर गली में आपको हनुमान मंदिर मिल जाएगा। परंतु यकीन मानिए साथियों, जो मैं 10 बातें आपको बता रहा हूँ, अगर उनका पालन, उनका ज्ञान यदि नहीं है किसी भी हनुमान साधक को, तो उसको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। कुछ लोगों को शंका है ब्रह्मचर्य के पालन को लेकर के, कुछ लोगों को शंका है कि मंगलवार को आराधना की जाए या शनिवार को। इन सब का मैं जवाब दूंगा। उससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि अब हम हमारे प्रत्येक एपिसोड में किसी न किसी जातक के कमेंट का उत्तर देते हैं, तो अंत में आप हमारे साथ में अवश्य बने रहिए, क्योंकि आज हो सकता है कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाए। साथियों, हनुमान आराधना को मैं दो प्रकार से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। एक है सामान्य, आपका कोई उद्देश्य नहीं है, केवल आपके आराध्य हैं हनुमान देव, तो आप उनका रोजाना स्तुति करते हैं। दूसरा है एक विशिष्ट सिद्धि या विशिष्ट मनोकामना पूर्णी। आपको कोई कार्य, आपकी कोई मनोकामना है कि मुझे फला फला ये चीज़ या फला फला मेरा ये कार्य हो जाए, तब इन दोनों में अलग अंतर होता है, उसकी भी मैं आगे चर्चा करूँगा। और अभी साथियों चल रहा है कलयुग, यहाँ पर कई मान्यताएं भाग्य को लेकर के, कर्म को लेकर के धूमिल होती जा रही हैं। और जब कलयुग की बात आती है, तो कलयुग में सबसे प्रभावी, सबसे शक्तिशाली यदि कोई देव हैं, तो वो है महावीर बजरंग बली। और स्कंद पुराण में तो यहाँ तक उल्लेख आता है कि वो स्वयं रुद्रावतार हैं, रुद्र अर्थात शिव के साक्षात वो अंश हैं, अवतार हैं। शक्ति में और भक्ति में वो किसी प्रकार से शिव से कम नहीं है। पवन देव और अंजनी की वो संतान है। कई प्रकार के नाम से उनको जाना जाता है, पवन सुत, अंजनी पुत्र, महावीर बजरंग बली, मारुति नंदन, पवन पुत्र, संकट मोचन, केसरी नंदन और अनंत न जाने कितने नामों से। साथियों, अब मैं एक एक करके 10 बातें, वो आपको कंठस्थ होनी चाहिए और ये आपका दायित्व है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इन बातों का प्रसार किया जाए। सबसे पहली बात, वैसे तो सर्व सामान्य के लिए है, परंतु जिन व्यक्तियों की राशि मेष है, जिन व्यक्तियों की राशि वृश्चिक है या लग्न मेष या वृश्चिक है, उन लोगों को तो आंख मूंद करके हनुमान जी को अपना आराध्य मान लेना चाहिए। किसी भी प्रकार के संकट के समय उन्हें हनुमान आराधना तुरंत चुटकी बजाते ही उसमें से निकाल करके ले जाएगी। दूसरी बात, यदि आप किसी विशिष्ट साधना, विशिष्ट कार्य के लिए कर रहे हैं, आपने हनुमान जी से प्रार्थना की है कि भाई मैं इस संकट से गुजर रहा हूं या मेरा ये कार्य हो जाए, तब आपको उस साधना की शुरुआत से पहले संकल्प लेना होगा और वो किसी कर्मकांडी पंडित के माध्यम से आप करें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि हनुमान जी स्वयं संकल्प के धनी थे, जो वो ठान लेते थे वो किसी भी कीमत पर करते थे। संजीवनी बूटी जब वो लेने गए, उनको समझ में नहीं आया कि कौन सा पौधा संजीवनी का है, पूरा पर्वत उठा लिया उन्होंने। तीसरी बात, जो भी आप मंत्र जाप हनुमान जी को प्रसन्न करने के निमित्त करते हैं साथियों, वो मूंगा या रुद्राक्ष की माला से करने पर शीघ्र
और सच्चा लाभ मिलेगा। रुद्राक्ष स्वयं रुद्र के अक्ष हैं, इसलिए मैं इसको ज़्यादा बेहतर मानता हूँ। यदि आप प्रातः काल में कोई साधना करते हैं तो आपको प्रसाद के रूप में गुड़ और नारियल का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आप दोपहर या जिसको मध्याह्न कहते हैं उस वक्त यदि आप कोई सिद्धि कर रहे हैं तो आपको गुड़ और चूरमा वो प्रसाद के रूप में नैवेद्य के रूप में चढ़ाना चाहिए। यदि आप संध्या काल या रात्रिकालीन कोई हनुमान साधना में संलिप्त हैं तो आपको आम, अमरूद और केला ये तीनों फलों का नैवेद्य के रूप में, प्रसाद के रूप में प्रयोग करना चाहिए। अति प्रसन्न होंगे हनुमान जी। पांचवा बिंदु यह है साथियों कि हनुमान जी का एक ऐसा आशीर्वाद है कि वो कैसे भी ला इलाज असाध्य रोग जिस पर डॉक्टरों ने अपने हाथ खड़े कर दिए हों उनकी साधना से वो दूर होते हुए मैंने देखे हैं, चाहे सालासर धाम हो या बजरंगबली का कोई और सिद्ध पीठ क्यों ना हो। अगर रोग और कलह के लिए आप हनुमान जी से आशीर्वाद चाहते हैं तो आपको हनुमान अष्टक स्त्रोत्र का पाठ करना चाहिए। यदि आप अपने किसी शत्रु से परेशान हैं जिसने आपका जीना हराम कर दिया है तो आपको बजरंग बाण का नियमित रूप से पाठ करना चाहिए। यदि आप पर किसी ने तंत्र मंत्र या इस प्रकार की कोई ऊपरी बाधा कर दी है उसके लिए आपको भीम रूपी स्त्रोत्र, कैसी भी कष्ट या किसी भी प्रकार का जो स्त्रोत्र जो है ये हर प्रकार की ऊपरी जो कि अज्ञात है, किसी ने क्या किया है हमें पता नहीं, पर भीम रूपी स्त्रोत्र उसको जड़ समूल से नष्ट कर देगा। छठा, चाहे सामान्य साधना हो, विशिष्ट सिद्धि की बात हो, ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है और ख़ास तौर पर सिद्धि के लिए। लोग कहते हैं कि मैं सालों से बजरंग बली की आराधना कर रहा हूँ या किसी प्रकार से, उनकी तो मैं बात नहीं करता, परंतु यदि आप कोई अपनी विशेष मनोकामना पूर्ति कराना चाहते हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। याद रखिए इस दुनिया में सबसे बड़े ब्रह्मचारी महावीर हनुमान हैं, उनको ब्रह्मचारी व्यक्ति बहुत प्रसन्न, बहुत उनके प्रिय होते हैं। और ये ब्रह्मचर्य मन से, अर्थात मन में भी कोई गलत भाव नहीं आना चाहिए, वचन से, मुंह से कोई शब्द आपको गलत किसी के लिए नहीं निकालना है, और कर्म से, अपने शरीर अपने कर्म से आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जब भी सातवां बिंदु मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको हनुमान आराधना प्रारंभ करनी है और कोई शुभ मुहूर्त आपको नहीं मिल रहा है तो आप किसी भी शुक्ल पक्ष का जो प्रथम मंगलवार आता है उससे इसका प्रारंभ कर सकते हैं। और विशेष तौर पर आठवीं बात कि विशेष तौर पर जो शनि से प्रताड़ित है, यदि कुंडली में शनि नीच राशि का बैठा हुआ है, किसी ऐसी स्थिति को निर्मित कर रहा है कि कार्यों में देरी हो रही है, या शनि की दशा महादशा अंतरदशा चल रही है, या शनि की साढ़े साती या ढैया चल रही है, तब आप जान लीजिए, गांठ बांध लीजिए कि हनुमान जी के अलावा कोई और आपको शनि से बचा ही नहीं सकता। हनुमान आराधना अपने आप में शनि से बचाव की गारंटी है। नवा बिंदु साथियों ये है कि यदि संभव हो, अगर आप नियमित रूप से हनुमान की आराधना करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, मंदिर में जाकर करते हैं या अपने घर के पूजा स्थान पर करते हैं, तो जब आप पाठ करें तो प्रत्येक चौपाई के अंत में आप हनुमान जी के दर्शन करते हुए करिए, पाठ कीजिए, दर्शन कीजिए। इस प्रकार से ये जो संपर्क बना रहेगा ना, ये आपकी साधना को, उसके प्रभाव को कई गुना बढ़ा देगा। साथ ही ऐसा नहीं बस आप अपने धुन में हैं और चल रहा है, नहीं, दर्शन का और इसका, पाठ का एक तारतम्य, एक रिश्ता आपको निर्मित करना है। अंतिम और सबसे ज़रूरी बात, कई स्थानों पर कई लोग मंगलवार को और कई शनिवार को आराधना करते हैं। चाहे आप मंगलवार को आराधना करते हैं, शनिवार को करते हैं, कोई फर्क नहीं है उसमें, पर ये ज़रूर आप ध्यान रखिए कि शनिवार को यदि आप प्रसाद या नैवेद्य कुछ चढ़ाते हैं तो वो चने और गुड़ का, भीगे हुए चने और गुड़ का, शनिवार को जो चने हैं वो भीगे हुए होने चाहिए गुड़ के साथ में, और मंगलवार को भुने हुए चनों का इस्तेमाल करना है गुड़ के साथ में। ये कुछ सावधानियाँ, कुछ
इस प्रकार से बिंदुओं का मैंने आपको वर्णन करके बताया है कि किस प्रकार से हनुमान जी को आप, वैसे तो वो वैसे भी बहुत आसानी से किसी भी भक्त की बात पर प्रसन्नता से अपना वरदान दे देते हैं, पर यदि हम अपनी तरफ से साधना में कुछ सावधानियां बरतते हैं तो इससे हमारी साधना शीघ्र फलीभूत होती है। तो मैं आपको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं कि महावीर हनुमान आपकी प्रत्येक मनोकामना की शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ति करें। साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है दीपाली विश्वास जी का, जो कि हमें मिला है कोणार्क ओडिशा से। आपने जानना चाहा है कि शादी कब होगी, परेशान हो चुके हैं आप और आपके घर वाले एक लड़का आपके लिए तलाश करते हुए। खैर, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है दीपाली जी। सप्तम भाव में हालांकि आपके राहु बैठा हुआ है, उसी की वजह से डिले हो रहा है और उसी की वजह से शादी की बात 99.9% पर आकर के किसी न किसी कारण से ख़त्म हो जाती है। ऐसे लड़के जो पहले हाँ कर देंगे, उनके घर वाले हाँ कर देंगे और बाद में जा करके कोई बहाना बना लेंगे, ऐसी घटनाएँ आपके साथ में आम तौर पर हो रही होंगी। पर इसका समाधान है, समाधान यह है कि आपको अपने नजदीकी हनुमान मंदिर में जाकर के प्रत्येक मंगलवार या शनिवार, जो भी है, इसमें आप इस दोनों में से किसी का भी चयन कर सकते हैं, आपको हाथ जोड़ करके अपनी मनोकामना, जो कि शादी के निमित्त है, वो प्रार्थना करनी है देवता हनुमान जी से और वहीं पर बैठ करके 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अक्टूबर 2019 तक आप ज़रूर थोड़ा सा निराश होंगे क्योंकि उस वक्त तक आपके ग्रह साथ नहीं दे रहे हैं, परंतु उसके तुरंत बाद एक बहुत योग्य और बहुत आपको सम्मान और प्रेम देने वाला जीवन साथी आपके जीवन में आएगा। मैं भी ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। तो साथियों, ये था हमारा आज का आर्य सत्य। यदि आपको हमारा ये अदना सा छोटा सा प्रयास कहीं ना कहीं बेहतर जीवन की ओर ले जाने वाला लग रहा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और उसके साथ ही जो बेल आइकन है वो ज़रूर दबाइए, वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्रदान करता है। मुझे अपना स्नेह देने के लिए लाइक का बटन दबाइए और अपने लोगों तक इस कार्यक्रम को पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए। आप स्वस्थ समृद्ध बने। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।